भारत में ऑटो सेक्टर में 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे दाम। जी हाँ, इंडिया की ऑटो मेकर कंपनी SML इसुजू ने ट्रक और बसों के दाम बढ़ा दिए हैं। ये नए दाम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। देश में 1 अप्रैल से न्यू एमिशन नॉर्म्स और महंगाई को देखते हुए कंपनी ने ट्रक और बसों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। कंपनी ने BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग करते हुए इस बात की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि ट्रक के मॉडल 4% और बसों की कीमतों में 6% तक का इंक्रीज किया गया है। कंपनी का दाम बढ़ाने के पीछे वजह है कि देश में 1 अप्रैल से नए एमिशन नॉर्म्स लागू होने वाले हैं, जिसके चलते इंजन को अपग्रेड किया जा रहा है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपका व्हीकल रियल ड्राइविंग एमिशन जानकारी देगा। इन रूल्स को एक्टिव करने के लिए कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से कंपनियां अपने व्हीकल के दाम बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि 1 अप्रैल से कई कंपनियों के कार और बाइक मॉडल के दाम बढ़ने वाले हैं। 1 अप्रैल से कुछ कंपनियों के 17 कार मॉडल के प्रोडक्शन हो जाएंगे बंद। इन 17 कार में होंडा की 5, महिंद्रा की 3, हुंडई और स्कोडा की 2, रेनो, निसान और मारुति सुजुकी, टोयोटा और टाटा की 1-1 कार शामिल है।